64 योगिनी माता धाम देवालय मल्लाहपारा सुपेला में भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिर प्रांगण में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के विवाह उत्सव को मनाते हुए मंगलवार को महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे शहर भर में धूमधाम से मनाया गया और शहर के सभी शिवालयों और देवालयों में भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने अपने अपने तरीके से भगवान शिव का अभिषेक किया। इसी कड़ी में 64 योगिनी माता धाम देवालय मल्लाहपारा सुपेला में भी भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया एवं अपनी आस्था के फूल अर्पित किए। क्षेत्र की महिलाओं ने इस अवसर पर कर्णप्रिय भजनों की प्रस्तुति दी एवं भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर भाव विभोर कर देने वाला नृत्य भी प्रस्तुत किया। चौसठ योगिनी माता धाम देवालय के पुरोहित पंडित राजकुमार तिवारी ने महाशिवरात्रि के महत्व को बताते हुए आयोजन की जानकारी दी एवं भगवान शिव को इस विश्व का पालनहार बताया। साथ ही महाशिवरात्रि के विशेष दिन पर हुए अनुष्ठान में सम्मिलित होने वाले सभी शिव भक्तों ने अपनी अपनी मनोकामनाएं भी मांगी। सबसे पहले तो सभी को महाशिवरात्रि की पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। भोले बाबा सभी का मंगल करें। और आज ये जो कार्यक्रम है, पहली बार इस मल्लाहपारा क्षेत्र से जो कि मंदिर जो प्रांगण है नेहरू भवन रोड किट्टी बुक डिपो के पीछे मल्लाहपारा सुपेला पर यह मंदिर है। 64 योगिनी माता धाम देवालय के नाम से यह मंदिर है। हम लोगों का प्रयास यही है कि सब लोग जो स्लम एरिया है, छोटी बस्ती जिनको कहा जाता है, वो लोग सब इकट्ठे हों, धार्मिक काम में जुटे और भगवान का और सभी का जैसे एक दूसरे का सहयोग देते हुए सबका कल्याण हो, सब लोगों का हित हो। और ऐसे यदि कार्यक्रम होते रहेंगे तो हमारा जो सनातन धर्म है, जो आज कुरीतियाँ फैल रही हैं आप देख रहे हैं, वो कुरीतियों से कहीं ना कहीं हम बचेंगे और इससे एक सामाजिक जुड़ाव भी होगा, भाई बंध भी बढ़ेगा। सब लोग जो भगवान के प्रति आस्था छोड़ दिए हैं, वो आस्था को एक जगाने का छोटा सा प्रयास है कि इस आपके न्यूज़ के माध्यम से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद कि आप आए इस प्रांगण में और हम लोगों के ये मंदिर और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ यहाँ के जो सहयोगी हैं, मंदिर के संकट मोचन कहे जाते हैं, हमारे राधेश्याम साहनी भैया, हमारे शर्मा जी हरीश शर्मा जी और बाकी हमारे जो सहयोगी गण हैं, मोहल्लेवासी सभी का सहयोग है। हम तो एक माध्यम है भगवान के लिए, बाकी भगवान सबका कल्याण करे। जब तक है भगवान के लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भला हो, सब अच्छा हो। मनोकामना यही है, जो एक अंतरात्मा दुखी हुई है उसको कहीं ना कहीं जो मन में भेद है कि भगवान के प्रति जो लोग आस्थित नहीं है, लोग अपने काम को, अपने दूसरी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, अच्छी बात है। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, अर्थ नहीं रहेगा तो सब व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन वो अर्थ अपना कब काम आएगा, जब अपन धर्म में लगाएंगे, भगवान के काम में लगाएंगे, धर्म में लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा कल्याण होगा, परिवार का भी कल्याण होगा, हमारे समाज का भी कल्याण होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति हमको यही सिखाती है कि हम अपने संस्कृति से जुड़े रहें, धर्म से जुड़े रहें, भाई बंध बना रहे, भाईचारा, माँ बाप का सम्मान हो, भाई बंध का सब एक दूसरे को मिलकर सब सहयोग करें। ये छोटा सा प्रयास था, यदि इस प्रयास में और सब लोग सहभागी होते तो इसका नजारा कुछ अलग होता आगामी दिनों में। पूरे शहर भर में एक तरफ जहां शिवालयों में महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं द्वारा विशेष भजन कीर्तन किया गया, तो वहीं अन्य देवालयों में भी विभिन्न आयोजन किए गए। पूरे शहर वासियों ने एक सुर में भगवान भोलेनाथ से विश्व कल्याण की कामना की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।